हेलो बच्चों, क्लास 9th मैथ्स का एक टॉपिक पहली चैप्टर का हम डिस्कस किए थे, परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर। तो हमने बताया था कि भाई जिन नंबर्स को पी अपान क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जहां पी और क्यू पूर्णांक थे, इंटीजर थे, एक साइज आपने पढ़ ली होगी तभी ये समझ में आएगी, उसे पहले पढ़ लेना। उसका लिंक हम इसमें दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, वैसे भी पहली एक्सरसाइज आपको मिल जाएगी यहाँ लिंक में, देख लेना। जिनको पी अपान क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ पी और क्यू बताया गया था इंटीजर है और क्यू जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, वो परिमेय संख्याएं थी, रेशनल नंबर थे। आज हम बात करने जा रहे हैं इरेशनल नंबर की। जैसे हम आपसे कहें 5, तो आप कहेंगे 5/1, 5 भी इंटीजर, 1 भी इंटीजर, मतलब पूर्णांक, ये परिमेय संख्या है। हम कहेंगे 0, आप कहेंगे 0/1, लेकिन मैं आपसे कहूं √2, तो 2 का जो वर्गमूल होता है वो 1.414, आगे बहुत बड़ी नंबर, बड़ी संख्या होती है, इसका पूरा का पूरा वर्गमूल, स्क्वायर रूट आप नहीं निकाल सकते। मैं कहूं √3, तो आप इसका पूरा का पूरा स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते। मैं आपसे कहूं एक पाई होता है, पाई, थोड़ा और बड़े होंगे तो आप पढ़ेंगे। जैसे मैं आपसे कहूं कि 0.200101010000, बहुत सारे नंबर आगे लिखे हुए हैं। अब चूंकि ये कहीं रुकेंगे नहीं नंबर, तो कैसी संख्या होगी, ये आपकी इरेशनल नंबर होगी। यानी जिस नंबर को एग्जैक्टली आप इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं, वो कैसी है, इरेशनल नंबर होगी, यानी अपरिमेय होगी। देखिए, पहला बताया गया रेशनल, रेशनल यानी कि जिसको हिंदी में कहा गया परिमेय, और दूसरा बताया गया इरेशनल, जो बताया जा रहा है, जिसको हिंदी में कहा गया अपरिमेय, जिसको पी अपान क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। अब देखिए, यही पर अगर मैं कहूं √4, तो ये आपका इरेशनल नहीं है, क्योंकि इसकी वैल्यू 2 होती है, प्लस माइनस, प्लस 2 होती है और माइनस 2 होती है, तो ये पूरा का पूरा वैल्यू निकाली जा सकती है, इसलिए ये इरेशनल नहीं होगा, ये इरेशनल है, ठीक है, ये अपरिमेय है। तो परिमेय और अपरिमेय मिलकर के ये देती है वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं देती है, रियल नंबर, जिनको क्या कहते हैं इंग्लिश में, रियल नंबर कहते हैं। रियल नंबर का मतलब होता है रेशनल पर प्लस इरेशनल। हिंदी वाले हिंदी देखें, इंग्लिश वाले इंग्लिश देखें, दोनों वर्ड्स हम यूज कर रहे हैं। तो ये आपके परिमेय संख्याएं हैं, ये आपकी अपरिमेय है, और ये इससे पहले वीडियो में बताया गया था जो परिमेय संख्याएं थी। इसके बारे में पाइथागोरस साहब के एक स्टूडेंट थे, उन्होंने प्रूफ किया था कि √2 एक इरेशनल नंबर है, √2। अब √2 को नंबर लाइन पे कैसे दिखाएं, आपने पढ़ा होगा, संख्या रेखा पढ़ी होगी, ऐसे ये संख्या रेखा थी, इसमें 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2। अब हमने कहा ये नंबर कैसे दिखाओगे, 0.200100 या √2 कैसे दिखाओगे, तो √2 को नंबर लाइन पे कैसे दिखाया जाए या √3 को नंबर लाइन पे कैसे दिखाया जाए, उसका मेथड क्या होता है, इसको ज्योमेट्री के मेथड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं कि रिप्रेजेंट √2 ऑन द नंबर लाइन, √2 को संख्या रेखा पर दिखाइए। देखिए, टॉपिक है √2 को संख्या रेखा पर दिखाइए, √2 को नंबर लाइन पे शो करिए, देखिए क्या तरीका इसका होता है। पहले जरा √2 को खोजिए, कहां से √2 मिलेगा। तो चूंकि पाइथागोरस के स्टूडेंट ने इसको बताया था, तो पाइथागोरस की प्रमेय यहां लगेगी। देखिए, अगर कोई दो लाइंस आप ले लें, लंब हो, आपस में परपेंडिकुलर हो, ये 1 हो, ये 1 हो, तो आप जानते हैं पाइथागोरस की प्रमेय, ये होती है हाइपोटेन्यूज, कर्ण होती है, तो आप जानते हैं इसको कर्ण कहते हैं, कि कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कि जो h हमने माना है, ये 1 + 1, h बराबर √2 होगा। यानी अगर ये साइड 1 है, ये साइड 1 है, तो इसकी लंबाई क्या होगी, √2। इसी कंसेप्ट को यूज करके हम संख्या रेखा पे नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। मैंने आप क्वेश्चन क्या लिखेंगे, √2 को संख्या रेखा पर दिखाइए, संख्या रेखा पर दर्शाइए, या रिप्रेजेंट √2 ऑन नंबर लाइन, रिप्रेजेंट
root 2 on number line. जरा समझिएगा, हम क्या करेंगे, एक संख्या रेखा खींचेंगे, एक नंबर लाइन खींचेंगे, ये स्केल की सहायता से खींचेंगे, ध्यान रखिएगा और कोशिश करिएगा इसकी जो जो खाने लेंगे वो थोड़ा समान दूरी पे हो। ये जीरो है, ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, ये माइनस वन है, ये माइनस टू। हमको एक रेखा लेनी है वन। देखिए हमने जीरो से वन तक एक लाइन खींच दी, तो खींची हुई ऑलरेडी, जीरो का नाम दे दिया ए और वन का नाम दे दिया हमने बी, ये लाइन मिल गई। अब बी पे हम क्या करेंगे, एक लंब खींचेंगे, एक परपेंडिकुलर खींचेंगे और यहां पर भी वन काट लेंगे, जो ये लंबाई वही ये लंबाई आप काट लेंगे, ये हमने बी सी काट लिया, ये लंबाई आप नाप लेंगे, ठीक है। और ये खींचेंगे ए सी, तो ए सी की लंबाई कितनी होगी, अंडर रूट टू। जरा समझिएगा, अब क्या करेंगे, ए को सेंटर मानेंगे, चांदा आपके पास, चाप प्रकार आपके पास होगा, कंपास जो होता है, कंपास लेंगे आप, इसको सेंटर मानेंगे, ये त्रिज्या लेंगे और एक ऐसे चाप खींच देंगे, ऐसे ऐसे यहां पर आर्क खींचेगा, ऐसे खींचेंगे, ठीक है। ये जहां पर एक कट करेगा, ये जो पॉइंट होगा ना, यही पॉइंट रूट टू होगा। कैसे, जरा समझिएगा, ये लंबाई आपने आर्क खींचा है ना, चाप खींचा है ना, तो जो लंबाई ये है वही तो लंबाई ये है, ये लंबाई कितनी है रूट टू, तो ये लंबाई कितनी होगी रूट टू, तो ये पॉइंट आपका रूट टू हो जाएगा। ये रूट टू दिखा दिया आपने। अब रूट थ्री दिखाने के लिए रूट टू का इस्तेमाल किया जाता है, जरा समझिएगा। अगर एक साइड वन ले लें और एक साइड रूट टू ले लें, तो ये एच कैसे निकलेगा, वन का स्क्वायर वन, रूट टू का स्क्वायर टू, ये थ्री आएगा, एच रूट थ्री हो जाएगा। यानी आपको एक साइड क्या लेनी है वन और एक साइड क्या लेनी है रूट टू, चाहे ये रूट टू ले लो, चाहे ये रूट टू ले लो, ये वन ले लो। जरा समझिएगा, आपको यहां डी पॉइंट मिल गया है ना, ओ से डी की लंबाई कितनी है रूट टू है, तो आप क्या करेंगे, डी पर एक परपेंडिकुलर खींचेंगे, डी पर एक लंब खींचेंगे और इस पर ओ ई एक काट लेंगे। देखो ये लंबाई कितनी है रूट टू, ये लंबाई कितनी है वन, और इसको आप मिला देंगे ओ ई को। अब बताइए ओ ई की लंबाई कितनी आएगी, ओ ई की लंबाई आएगी रूट थ्री। ओ का सेंटर मानेंगे, ओ ई रेडियस लेकर के एक चाप ऐसे खींच देंगे और ये जहां मिलेगा, ये मान लिया एल पॉइंट है, यही आपका रूट थ्री पॉइंट होगा। इस प्रकार से रूट टू और रूट थ्री को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। फिर से समझ लीजिएगा, देखिए रूट टू को अलग से बताते हैं, रूट थ्री को अलग से बताते हैं। आपने एक नंबर लाइन खींचा, ये जीरो, ये वन, ये टू, ठीक। आपने क्या किया, ओ ए इसका नाम दे दिया, ए इसका नाम दे दिया बी, ये वन हो गया। बी पर एक परपेंडिकुलर खींचा, लंब खींचा, और जो आपकी ओ ए ए बी की लंबाई हो उतना ही चाप इसमें काट कट कर लीजिएगा, ये बी सी, ये लंबाई कितनी होगी वन। इसके बाद आप इसको मिला देंगे, ये लंबाई कितनी आएगी रूट टू। अब आप ओ ए को सेंटर मानो, ओ सी रेडियस लेकर के एक आर खींच दो, एक चाप खींच दो, और जो चाप यहां जहां कट करे, माने यहां पर डी पॉइंट पे कट कर रहा है, यही रूट टू होगा, ठीक। अब देखो डी आपको मिल गया है। अब जरा दूसरा डायग्राम समझिए, बनाना इसी में है आपको। देखिए ये नंबर लाइन थी ए, ये बी थी, यहां डी मिला था ना आपको, और ये टू नंबर था, ये जीरो था, ये वन था, ये रूट टू था ना यहां पे। अब जहां डी मिला है यहां पर आप एक लंब खींचिए और ए बी के बराबर, वन के बराबर यहां कट कर लीजिएगा, डी ई और ए ई को मिला दो, ये लंबाई कितनी होगी रूट थ्री। ये वाली देखो रूट थ्री यहां से यहां तक थी, ठीक है। यहां सेंटर मानो, ये आर्क ले करके एक ऐसे चाप लगाओ, जहां एक कट करेगी एल पॉइंट पर, यही रूट थ्री होगा। इस प्रकार से रूट टू और रूट थ्री को नंबर लाइन पे आप रिप्रेजेंट करेंगे। रूट थ्री इसी में बनेगा, वो हमने अलग से बना के दिखा दिया है केवल। तो ये एक एग्जाम्पल है। अब आप एक्सरसाइज पे आइए 1.2। इसमें चूंकि एनसीईआरटी की दूसरी एक्सरसाइज है, ये 1.2 एक्सरसाइज, जरा समझिएगा। एनसीईआरटी की बुक्स खरीद लीजिएगा, हिंदी वाले हिंदी में देखें, इंग्लिश वाले इंग्लिश में देखें। कुछ बातें लिखी हैं, उसको कहा गया बताओ ये सही है गलत है, ट्रू है फाल्स है, अपना कारण सहित बताओ। पहला क्वेश्चन बताया इन्होंने
कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है, मतलब रियल नंबर इज अ ग्रुप ऑफ रेशनल और इरेशनल नंबर। देखिए अभी हम बात कर चुके हैं कि आप चाहे रूट टू लिखिए, चाहे रूट थ्री लिखिए, चाहे रूट फोर लिखिए या रूट फाइव लिखिए, ये सब वास्तविक संख्या है, सब रियल नंबर्स है। अब आप कहेंगे कब रियल नहीं होती हैं? देखिए अगर अंडर रूट के अंदर कोई ऋणात्मक संख्या आ जाए, कोई नेगेटिव नंबर आ जाए, तब ये रियल नहीं होता है, तब इसको इमेजिनरी कहते हैं, काल्पनिक संख्या कहते हैं। इसके बारे में बड़े क्लासेस में आपको पढ़ाया जाएगा। तो ये क्या हो गया, पहला पार्ट क्या हो गया, पहला पार्ट ट्रू है यानी कि सत्य है। रीजन इसमें नहीं करना है, रीजन आप लिख सकते हैं कि हर जो रियल नंबर होता है, रियल नंबर इज अ ग्रुप ऑफ रेशनल और इरेशनल। जो रियल नंबर होता है वो रेशनल और इरेशनल, वास्तविक संख्या जो होती है वो परिमेय और अपरिमेय को मिलाकर के बनाई जाती है। उसका मतलब जितने भी अपरिमेय है, जितने भी इरेशनल है, वो रियल नंबर होंगी। सेकेंड पार्ट देखिए आपसे क्या कह रहा है, सेकेंड पार्ट कह रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट एम के रूप में होता है, जहां एम एक प्राकृतिक संख्या है। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज द फॉर्म ऑफ रूट एम, वेयर रूट एम इज ए नेचुरल नंबर। जरा समझिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि ये नंबर लाइन है, ये जीरो है, ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, ये फोर है। ये कह रहे हर पॉइंट, जितने भी पॉइंट इसमें होंगे, इसके बीच में भी पॉइंट होंगे ना, 0.1, 0.2, तो कह रहे हैं ये हर पॉइंट रूट एम के रूप में लिखा जा सकता है, जहां एम क्या है, एम वास्तविक संख्या, सॉरी नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक मतलब 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। जरा समझिएगा ये फॉल्स है, ये गलत कह रहा है। क्यों, जरा समझिएगा, अगर मैं यहां कोई पॉइंट मान लेता 1.2, तो 1.2 जो होता है वो रियल नंबर पर तो होता है, लेकिन वो किसी नेचुरल नंबर का अंडर रूट नहीं होता। किसी नेचुरल नंबर का अंडर रूट आप निकाले, मान लें आप 1.2 वाले 1 का निकालते हैं तो 1 निकलेगा, रूट टू का 1.414, आगे बहुत सारी वैल्यू होगी, लेकिन 1.1 इज नॉट द स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर। आप कहेंगे कि 1.2 किसी प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल नहीं है, वर्गमूल नहीं है। इसका मतलब ये जो बातें कह रहे हैं ये गलत है हमेशा। हाँ हो सकता है जैसे 4 है तो अंडर रूट 16 की वैल्यू है, 3 है अंडर रूट 9 की वैल्यू है, 2 है अंडर रूट 4 की वैल्यू है, लेकिन भाई अगर 1.1 है तो किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट नहीं होगा वो, तो ये हमेशा सही होगा ऐसा जरूर नहीं है। थर्ड पार्ट देखिए क्या कह रहा है, इसका थर्ड पार्ट क्या कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट कह रहा है कि एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय है, ऐसा नहीं है। देखिए 3 इज अ रियल नंबर, 3 क्या है, 3 जो है ये वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है, और ये कैसी संख्या है, इट इज रेशनल, इट इज रेशनल, ये परिमेय संख्या है। तो ये कह रहे हैं कि भी प्रत्येक रियल नंबर अपरिमेय होगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि रियल नंबर में रेशनल और इरेशनल दोनों होते हैं। तो ये जो बात कह रहे हैं, थर्ड पार्ट जो बात कह रहे हैं, ये गलत कह रहे हैं, यानी ये फॉल्स है। तो तीसरी बात ये सही गलत कह रहे हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा, बहुत कम क्वेश्चन आपकी एक्साइज में है, अगर थोड़ा थोड़ा करते जाएंगे तो कोई बहुत टफ नहीं है, लेकिन पढ़ोगे नहीं तो कुछ नहीं आएगा। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, जरा क्वेश्चन समझिएगा, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो। आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इज रेशनल इफ नॉट अपरिमेय होते हैं, इरेशनल इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज अ रेशनल नंबर। जरा समझिएगा, फिर से क्वेश्चन समझिएगा, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? देखो
आपने कहा ये पॉजिटिव इंटीजर है, धनात्मक पूर्णांक है, ये नंबर कैसा है, ये अपरिमेय है। आपने कहा सही बात है, ये कैसा नंबर है, इरेशनल है। आपने कहा सही बात है, लेकिन हमने कहा अंडर रूट फोर, फोर भी पॉजिटिव इंटीजर है, इसकी वैल्यू क्या है, टू, और ये कैसा नंबर है, ये परिमेय है, यानी ये रेशनल है। और आपसे कह क्या रहे हैं, ये कह रहे हैं क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर का अगर स्क्वायर रूट निकालें तो इरेशनल ही होगा। आप कहेंगे नहीं, अगर मैं फोर का स्क्वायर रूट निकालता हूं तो रेशनल होगा, तो ये हमेशा सही नहीं होगा, तो ये हमेशा के लिए गलत भी नहीं है, हमेशा के लिए राइट भी नहीं है। इसके बाद कह रहे हैं रूट फाइव को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो। अब देखिए, अभी हमने रूट टू बताया, रूट थ्री बताया, अब रूट फाइव को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जरा सावधान। आपको पाइथागोरस में जो लंब वाला हमने त्रिभुज बताया है, उसमें दो ऐसी भुजाएं माननी पड़ेंगी जिनकी, जैसे ये लंबाई हमने दो मान ली, ये लंबाई हमने वन मान ली, तो अगर हम वर्गमूल इसमें जो पाइथागोरस की प्रमेय निकालें तो एच स्क्वायर बराबर होगा दो का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर बराबर चार प्लस एक बराबर पांच, तो एच कितना आएगा, अंडर रूट पांच। अब इस कंसेप्ट को ध्यान में रखिएगा, समझिएगा, अंडर रूट फाइव कैसे दिखाएंगे, आप कहेंगे हम एक नंबर लाइन खींचते हैं, ये जीरो, ये वन, ये टू, ये थ्री, ये माइनस वन, ये जो दूरियां हो बराबर होनी चाहिए, आप सेंटीमीटर में लो, इंच में लो, ये आपकी मर्जी, बराबर होनी चाहिए। आप कहेंगे हम क्या करेंगे, ये यहां से यहां तक भुजा कितनी मानेंगे, दो, इसका नाम दे दे ए, इसका नाम दे दे बी, देखिए दो मिल गए। आप क्या करेंगे, बी पर एक लंब रेखा खींचते हैं और वहां कितनी लंबाई चाहिए, वन, तो वन कितनी है, ये, इसका नाम दे दो सी। वहां पर क्या करेंगे, वन के बराबर, ए सी के बराबर एक चाप काट लेंगे, ये डी, ये लंबाई कितनी है, वन, और यहां से इसको मिला देंगे, ये कितना आएगा, अंडर रूट फाइव। अब ये ए से डी तक की लंबाई कितनी है, अंडर रूट फाइव। तो अब हमको एक ऐसी भुजा चाहिए जिसकी लंबाई रूट फाइव हो, तो ए को सेंटर मानो, ए डी रेडियस लेकर के एक चाप खींच दो इस प्रकार से, जहां पे कट करे, मान लिया एन पॉइंट पे कट कर रहा है, यही आपका अंडर रूट फाइव को रिप्रेजेंट करता है। इस प्रकार से एक्सरसाइज खत्म हुई, तीन क्वेश्चन थे इसमें, इसको लगा लीजिएगा और इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी। अगर आप कंटिन्यूअस लगाते रहेंगे तब समझ में आएगा नेक्स्ट एक्सरसाइज। ओके, थैंक यू।